हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अनुपमा। सो गाइस, आज की वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूं, एक्चुअली शूट कर रही हूं, और क्योंकि मुझे हो रखा था टाइफाइड, तो जिसकी वजह से मैं रेस्ट पे थी और मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी एंड आई एम मिसिंग अ लॉट। सो फाइनली आज जो है मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस कि क्योंकि मैं आइसोलेशन में रही हूँ और इस पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पे कि हर दूसरे इंसान को अगर कोरोना के कुछ भी लक्षण दिख रहे हैं तो वो अपने आप को होम आइसोलेशन में कर लेते हैं। सो कैसा फील होता है और किस तरीके से आपको अपने आप को खुश रखना है इस माहौल में और हैप्पी रहना है। सो आज मैं आपको 7 टिप्स बताऊंगी कि इन टिप्स की हेल्प से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं और आप इतने स्ट्रेसफुल वाले माहौल में भी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी और पॉजिटिव रह सकते हैं। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो लाइक द फर्स्ट थिंग इज की लिसन म्यूजिक, बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बूस्टर होता है, स्पेशली अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो भी आपके लिए म्यूजिक एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। सो म्यूजिक, आप जिस तरीके का भी म्यूजिक पसंद करते हैं उस अकॉर्डिंग, टीम के अकॉर्डिंग आप चेंज कर करके म्यूजिक सुनिए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में। एक्चुअली म्यूजिक आपके माइंड को बहुत ज़्यादा काम और कंपोज करता है, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो बार बार टेंशन की ओर नहीं जाता है। इसलिए म्यूजिक एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है और हम सबको उस टाइम पे म्यूजिक जरूर सुनना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं बात करूंगी कि पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हम बार बार एक ही न्यूज़ देख रहे हैं, चारों तरफ इसी तरीके की न्यूज़ फैली हुई है, सो उन चीज़ों पर बार बार ध्यान जाता है जिसकी वजह से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और हम थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आप नेगेटिव न्यूज़ बार बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्ट करेगा। इट मे बी कि आप अफेक्ट नहीं होते हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये साइकोलॉजी डेवलप होगी जिसकी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। आपको अपनी मॉर्निंग की शुरुआत ही जो है वो पॉजिटिव थॉट्स के साथ करनी है। इसके लिए आप कोई काम एंड कंपोज म्यूजिक सुने, जैसे कि फ्लूट म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, इसकी वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। सो इस तरीके की म्यूजिक्स अगर आप सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। इसके साथ मॉर्निंग में भजन सुन सकते हैं तो भजन से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके अंदर, और अगर आपकी मॉर्निंग की शुरुआत ही पॉजिटिविटी के साथ होगी तो आपका दिन ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा जाएगा। हम सब कहीं ना कहीं मॉर्निंग में जो है वो ब्लेसिंग लेते हैं भगवान से, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं, सो इन सबसे हमें एक पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसलिए आप अगर मॉर्निंग में भजन सुनते हैं या फिर प्रेयर करते हैं तो ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। थर्ड थिंग में मैं बात करूंगी कि आप मेडिटेशन जरूर करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो जो ये COVID-19 की न्यूज़ है तो आपके पास सफिशियंट नॉलेज है इसके बारे में, क्योंकि हम पिछले साल से सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। सो आप और अधिक नॉलेज ना लीजिए क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस जो है बढ़ जाएगा। सो स्ट्रेस से हटने के लिए आप जो है इस तरीके के मैसेजेस वगैरह जो भी आते हैं व्हाट्सएप पर फॉरवर्डेड मैसेजेस या न्यूज़ चैनल पर, उन्हें बहुत ज़्यादा मत देखिए, उनको स्किप करिए और मॉर्निंग में 1 घंटे का टाइम निकालिए मेडिटेशन के लिए। सो मेडिटेशन बहुत ही अच्छा है, लोग कूल काम कंपोज कर देता है आपको, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि आप ब्रह्मा कुमारी की वीडियोस देख सकते हैं, मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगते हैं उनके थॉट्स और बहुत रिलैक्स फील होता है। सो और भी अदर ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं अपनी पर्सनल फेवरेट बातें करूँ तो मुझे संदीप माहेश्वरी की भी मोटिवेशनल जो स्पीचेस होती हैं, जिसमें कि वो फन वे में होता है, आपको एट द एंड एक लेसन भी देती है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे से एकदम कूल और आपका माइंड स्ट्रेस से एकदम हट जाता है। किसी भी सीरियस टॉपिक पर भी अगर आपको कुछ ढूंढना हो तो आप संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख सकते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा सदगुरु के भी जो भी मोटिवेशनल स्पीचेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं। सो ये 3-4 मैं देखती हूँ पर्सनली, आपके अपने कोई पर्सनल फेवरेट हो सकते हैं, सो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, मतलब उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस को देख करके आप थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव और मोटिवेटेड फील करिए। साथ ही साथ आप मेडिटेशन के लिए बहुत रिलैक्स मेडिटेशन के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप सदगुरु या फिर ब्रह्मा कुमारी शिवानी जी का स्पीच सुनिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा काम और रिलैक्स फील होगा और आप इजीली मेडिटेशन कर पाएंगे। मेडिटेशन मतलब होता है अपने माइंड को रिलैक्स और शांत करना, कोई भी चीज़ जो आपके बाहर हो रही है वो आपको अफेक्ट ना करे, सो इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आइसोलेशन में हैं तब तो आपको ज़रूर ही ज़रूर मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है आपके अंदर और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स कूल काम कंपोज फील करते हैं।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। फोर्थ नंबर पे मैं कहूंगी कि डू योर हॉबी, फॉलो योर हॉबी, बिकॉज अभी तो देखिए लॉकडाउन भी लग चुका है और जो भी आपकी हॉबीज है, जो आपको करना पसंद है, एक्चुअली अगर आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते तो आपको और ज्यादा स्ट्रेस होता है। सो अपने लिए जरूर टाइम निकालें थोड़ा सा, और आप अपनी हॉबी, जैसे कि किसी को म्यूजिक सीखने का बहुत शौक है, बहुत टाइम से सोचा है गिटार सीखना है, बट टाइम नहीं मिल पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा, सो अभी ये टाइम है कि आप टाइम निकालिए एक घंटे अपने लिए, और आप उस वन आवर में जो है वो गिटार सीख लीजिए। सीखने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है इंटरनेट पर, इसके अलावा आपके घर में भी कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है आपको जो कि आपको सिखा सकता है। सो नॉट ओनली गिटार, कोई भी आपको जो भी सीखने का मन था या फिर जो भी आपकी हॉबी थी जो आपको अच्छा लगता था, आपको गाने गाने का बहुत शौक है, आप नहीं गा पाते हो, नहीं टाइम मिलता है, सो अभी टाइम है कि आप अपना रूम क्लोज करके आराम से अपनी सिंगिंग रियाज करिए, प्रैक्टिस करिए। सो इसी तरीके से डांसिंग है, स्केचिंग है, पेंटिंग है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत रिलैक्स फील कराएंगी। पेंटिंग ट्रस्ट में मैं बताऊँ तो अगर आपको शौक है पेंटिंग का, तो जब भी आप पेंट करते हो, कलर्स के साथ खेलते हो, आपको बहुत अच्छा फील होता है। और कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो अगर आपको मेकअप करने का शौक है या फिर आपको पेंटिंग करने का शौक है, तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बूस्टर का वर्क करता है, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती है जिससे कि आप और ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हो, और आपके लिए एक मेमोरी भी क्रिएट होती है कि आपने लॉकडाउन के टाइम पे या इस टाइम पे आपने ये पेंटिंग बनाई थी। तो जो भी माइंडफुल थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, आप उसको अपने कैनवास पर उतार सकते हैं। सो पेंटिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके स्ट्रेस बूस्टर के लिए। सो मैं बात कर रही थी हॉबीज की, तो फॉलो योर हॉबी, मतलब आपको जो भी पसंद है, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे थे काफी टाइम से पेंडिंग में रखा था, वो करने का टाइम अब आ चुका है। सो प्लीज अपने लिए टाइम निकालिए, आपकी जो भी हॉबी है उसको जरूर इंक्लूड करिए अपने लाइफ स्टाइल में। अगर आपको डांसिंग का शौक है तो आप जरूर डांस करिए, डांस में बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बूस्टर का वर्क करता है, आपको आपके माइंड को रिलैक्स बनाता है। आप जितनी देर अपनी हॉबी को फॉलो करते हो, उतनी देर तक आप फोकस करते हो अपने उस काम को, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ आप उस काम को करते हो, जिससे आपका माइंड जो है वो फोकस होता है एक जगह पे और इधर उधर की बातों को नहीं जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है स्पेशली फॉर दिस सिचुएशन। स्पेशली अगर आप आइसोलेशन में है तब तो बहुत ही अच्छा है ना, क्योंकि आप अकेलापन नहीं फील करते, क्योंकि आइसोलेशन में रहने का मतलब है कि आप अकेले रहते हो, सो आपको मे बी बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो, तो इसलिए आपको अपनी हॉबी जरूर फॉलो करनी चाहिए उस टाइम पर भी। ये भी आपकी हॉबी जो है वो कुकिंग भी हो सकती है, और आपको बहुत सारे डिशेस वगैरह ट्रायल करने का शौक हो, बट ये जो टाइम है इस टाइम आपको हेल्दी फूड लेना है, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है, तो आप जंक फूड वगैरह अवॉइड करिए। जैसे कि पिछली बार भी हुआ था 2020 में लॉकडाउन के टाइम पर, लोगों ने बहुत सारी वराइटीज ऑफ, मतलब हर घर में शेफ बन गए थे, बट हमने उसमें बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने अनहेल्दी डाइट लिया, जो भी खाने की क्रेविंग्स हो रही थी वो घर पर बना के खा रहे थे। बट इस टाइम का जो सिचुएशन है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, तो हमें हेल्दी फूड लेना है, हमें अवॉइड करना है तले भुने भोजन को। सो इस चीज़ का ध्यान रख करके आप अपनी कुकिंग हॉबी को लुक फॉरवर्ड कर सकती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेइंग इंडोर गेम्स। आप सभी को याद होगा कि बचपन में भी अगर हमें बाहर खेलने को नहीं भेजा जाता तो हम घरों में इंडोर गेम्स खेलते थे। सो इसी तरीके से आप अपने बच्चों को भी बिजी रख सकते हैं घर में, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहे होंगे, या फिर कहीं ना कहीं उनका भी माइंड जो है वो बार बार कोविड की न्यूज़ की ओर जाता होगा। सो आप उनको इंक्लूड करिए अपने हर एक्टिविटी में, उनको पढ़ाई के लिए टाइम निकालिए, गेम्स के लिए टाइम निकालिए, सो बच्चों को भी इंक्लूड करिए अपनी हर एक्टिविटी में। अगर आप अपनी हॉबी को फॉलो करें तो अपने बच्चों को भी कहिए कि वो भी अपनी हॉबी को फॉलो करें, या अपने साथ उनको भी इंक्लूड करिए। जैसे आपको डांसिंग का शौक है तो अपने बच्चों को भी डांस सिखाइए, तो इसी तरीके से आप अपने बच्चों के साथ इंडोर गेम्स खेलिए जो भी आपको पसंद हो, जैसे कि आप चेस खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, बिजनेस खेल सकते हैं, पजल बहुत ही अच्छा गेम होता है क्योंकि इसमें आपका माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत फोकस होकर आपको अपना पजल सॉल्व करना होता है, तो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। सो इस तरीके के गेम्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कराएगा और आपका जो ध्यान है वो बार बार कोविड की न्यूज़ की तरफ नहीं जाएगा। नेक्स्ट में बात करूंगी तो आप अपनी फेवरेट सीरीज देख सकते हैं, या फिर नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे ऑप्शन है जो कि पॉजिटिव हो वो आपको देखना है। इसके अलावा आप कुछ कॉमेडी शोज देख सकते हैं, जैसे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, और या फिर आप देख सकते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिस तरीके के भी शोज आपको पसंद हो वो आप देख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा क्योंकि उस टाइम पे आप
उस मोमेंट में आप उस पल में आप जो है वो कॉमेडी देख रहे हैं तो आप ऑब्वियस बात है अंदर से खुश फील होंगे। तो जब आप खुश रहते हो ना तो आपके अंदर से एक हैप्पीनेस वाला हार्मोन जो है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। सो इस तरीके के शोज देखना प्रेफर करिए, और नेटफ्लिक्स पर भी आप बहुत सारे शोज देख सकते हैं, बट मेक श्योर कि कोई भी यू नो सीरियस और इस टाइप का आपको नहीं देखना है, क्योंकि ये उल्टा अफेक्ट करेगा आपको। सो आपको हमेशा ना हल्की फील हो कि आप कॉमेडी टच वाला कोई भी सीरीज देखिए या फिर कोई शोज देखिए, तो ये आप कर सकते हैं। और हाँ गाइज, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बूस्टर का काम करता है, स्पेशली मेरे लिए। बट इन दिस सिचुएशन ना मुझे ऐसा लगता है मुझे तो कहीं जाना नहीं है, तो फिर मैं क्यों शॉपिंग करूँ, तो ये मेरे साथ है। बट अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं तो विंडो शॉपिंग तो कर ही सकते हैं। सो विंडो शॉपिंग करने में भी एक माइंड पे एक रिलैक्स फील होता है, मतलब माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और दुनिया भर की चीज़ों से, और हम फोकस करें उस टाइम पे जो भी हम चीज़ें परचेज करना चाहते हैं उसके बारे में सर्च करते हैं, उसको देखते हैं। सो ये भी बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बूस्टर का काम करता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज, आप घर में अपने जो है वो इंडोर प्लांट्स जरूर लगाएं, स्पेशली वो इंडोर प्लांट जो ऑक्सीजन देती हैं। तो मॉर्निंग में जब भी आप मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, तो यू नो ग्रीनरी को देख करके भी हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। सो आप सब कुछ इस तरीके के प्लांट्स लगाइए, जैसे कि एरिका पाम है, यू नो डेजी फ्लावर है, और आपका बैम्बू ट्री है, मनी प्लांट है, और स्नेक प्लांट है। तो ये सारे रोज फ्लावर है, ये सारे जो प्लांट्स हैं ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, साथ साथ ऑक्सीजन देते हैं। नीम का पेड़ है, तो ये पेड़ अगर आप अपने एनवायरमेंट में अपने घर के आसपास लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होगी। सो इस टाइम हम बाहर नहीं निकल रहे तो आप इंडोर प्लांट्स ज़रूर लगाइए, क्योंकि इनसे भी आपको एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपकी फैमिली में कोई दूर के रिलेशन में अगर कोविड पॉजिटिव है तो उसको फ़ोन करके ही हाल चाल लीजिए, उसका कॉन्फिडेंस बनाइए कि सब ठीक जाएगा। उसको फोन करके ही आप उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए कि एवरीथिंग विल बी फाइन। सो और अपने बच्चों को भी सिखाइए, घर में भी सबको सिखाइए ये चीज़ें। तो जो भी आपकी फैमिली में पेशेंट है उससे आप जरूर हाल चाल लीजिए, उन्हें बिल्कुल भी अकेलापन मत महसूस करवाइए, उनको कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट करिए। एक्चुअली क्या होता है ना, आपका माइंड जितना बीमारियों से डरता है उतने ही बीमारी के सिम्टम आपको दिखने लगते हैं, और जितना आपका माइंड शार्प होता है नो बीमारियों से डरता नहीं है उतनी बीमारी आपसे दूर भागती है। तो ये एक साइकोलॉजिकली ये कुछ माइंड की ऐसी साइकोलॉजी है। सो इसलिए हमें बीमारी से डरना नहीं चाहिए, बीमारी का डट कर सामना करना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। सो गाइस, आपसे आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि ये हम कहीं ना कहीं हम सबकी लापरवाही की वजह से ही जो ये कोविड का सेकेंड वेव आया है। सो गाइस, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है कि हम अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखें। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक बाहर ना जाए, और वर्क फ्रॉम होम अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ऑफिस जाना पड़ता तो पूरी प्रिकॉशन लीजिए, और सारे प्रिकॉशन आपको पता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप अपनी सोसाइटी के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि कोरोना की थर्ड वेव से आप बचे हो तो भी आपको ये सब फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी धीरे धीरे ये केसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं, लोग हेल्दी हो रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी ये सब कुछ मतलब सेट हो जाएगा, सही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन कोरोना की तीसरी वेव भी आ सकती है, इसलिए हमें पूरी प्रिकॉशन लेनी है, पूरी अलर्टनेस के साथ जो है रहना है। और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हाँ आप सब ठीक हो रहा है तो चलो फिर हम अगेन वही लापरवाही शुरू करते हैं जो कि हमने अभी की है, जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई है सडनली। तो वैसे ही थर्ड वेव भी सडनली आ जाएगी, इसलिए आपको पूरी प्रिकॉशन के साथ रहना है, और बस अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो जो चीज़ें आपको लेनी चाहिए वो सब आपको पता है, तो उन सारी चीज़ों को फॉलो करिए, अपनी डाइट को स्ट्रिक्ट रखिए, बहुत ज़्यादा तला भुना मत खाइए, मेडिटेशन करिए, म्यूजिक सुनिए, खुश रहिए। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, विच आई होप यू ऑल लाइक इट। सो गाइस, आई जस्ट प्रे कि सभी लोग खुश रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, और बीमारी किसी का कुछ ना बिगाड़े। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस, आई होप यू ऑल लाइक इट। सो प्लीज टेक केयर एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।